गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आज हम ये वीडियो में क्लियर हो जाएंगे पॉजिटिव प्रोनाउन क्या है और पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या है, दोनों के बीच में अंतर क्या है, ये वीडियो में हम क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो स्किप मत करना वीडियो को, फुल वीडियो सुनना और ज़रूर कमेंट में बताना कि कैसे लगा वीडियो। ओके, देन स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखो बच्चों, पॉजिटिव प्रोनाउन और पॉजिटिव एडजेक्टिव जानने के पहले हम जानेंगे एक वर्ड के बारे में, पोजेस। यहाँ पे देखो है पोजेसिव, पोजेसिव में एक वर्ड छिप कर है पोजेस, POSSESS। ओके, और पोजेस क्या समझाता है, भार। पोजेस का मतलब एक भार है, ये पोजेस क्या बताता है, अधिकार को समझाता है, अधिकार ओनरशिप को बताता है, किसी का बिलोंगिंग को बताता है। ओके, देखो बच्चों, पोजेसिव प्रोनाउन और पोजेसिव एडजेक्टिव जानने से पहले हमें जानना होगा पोजेस वर्ड के बारे में। देखो बच्चों, पोजेसिव वर्ड में पोजेस एक वर्ड छिप कर है, POSSESS, और ये पोजेस क्या बताता है, अधिकार बताता है, किसका ओनरशिप। ओके, किसी का बिलोंगिंग को समझाता है, समझे। तो देखो बच्चों, यहाँ पे मैं पोजेस प्लस ION पोजेशन लिखी हूँ, जो कि एक तो नाउन है, ये सारा छोड़ो। अभी देखो पोजेस का मतलब तुम इतना समझो कि पोजेस का मतलब किसका अधिकार बताता है। ओके, किसका बिलोंगिंग, किसका ओनरशिप को समझाता है। अभी देखो, जैसे कि हम एक तो एग्जाम्पल लेंगे, दिस इज बुक। ओके, दिस इज बुक, ये एक तो किताब है, ये एक किताब है, दिस इज ए बुक, हो गया। तो यहाँ पे देखो बच्चों, ये एक तो किताब है बोल के हम समझ गए, लेकिन बुक क्या है, बुक क्या है, बुक मीन्स नाउन एक है, तो नाउन के आगे कौन रहता है, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है बच्चों, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स आर कॉल्ड एडजेक्टिव, मतलब जो नाउन को डिस्क्राइब करता है। ओके, लेकिन यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, दिस इज माय बुक, ये माय जो है और थोड़ा क्लियर कर दे रहा है, ये किसका बुक है, मेरा बुक है। ओके, मेरा बुक है, कोई इसको छू भी नहीं सकता, ऐसे प्रकार का हो गया है, मतलब मेरा अधिकार है इसके ऊपर। ओके, तो दिस इज माय बुक जो है, यहाँ पे माय हो जाएगा तुम्हारा एडजेक्टिव। नाउन के अगर आगे लगा है तो पॉजिटिव एडजेक्टिव होगा, समझे। देखो बच्चों, पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या है, वर्ड्स डिस्क्राइब बिलोंगिंग ऑफ नाउन। ओके, बुक, बुक एक तो नाउन है, इसका बिलोंगिंग मतलब देखो मेरा बुक है, माय बुक। ओके, ये हो गया तुम्हारा पॉजिटिव एडजेक्टिव कंप्लीट। बच्चों अभी हम समझेंगे पॉजिटिव एडजेक्टिव और पॉजिटिव प्रोनाउन, यहाँ पे शुरू हुआ तुम्हारा पढ़ाई। ओके, देखो एक तो छोटा छोटा वाला एग्जाम्पल के सहारे से हम इसे क्लियरली समझ जाएंगे, तो कम्प्लीटली सुनो। देखो बच्चों, यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव में है यह मेरा कलम है। ओके, यह मेरा कलम है, और पॉजिटिव नाउन में है यह कलम मेरा है। देखो बच्चों, दोनों सेंटेंस में ये कलम मेरा है, मतलब मेरा है कलम बोल के समझा रहा है, लेकिन अंतर क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव में क्या है, यह मेरा कलम है, दिस इज माई पेन, इसका इंग्लिश डिफरेंट हो जाएगा बच्चों, दिस इज माय पेन, यहाँ पे माय हो जाएगा एडजेक्टिव, क्यों। देखो, और पॉजिटिव प्रोनाउन में है दिस पेन इज माय, बच्चों हम तो बोल दें दिस इज माय पेन, यह मेरा कलम है बोल दें, इधर भी बोले कि दिस पेन इज माइन, यह कलम मेरा है, दोनों समान चीज को समझा रहा है, लेकिन अंतर क्या है, देखो एडजेक्टिव और प्रोनाउन में डिफरेंट क्या है, देखो यहाँ पे डिफरेंस क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव और पॉजिटिव प्रोनाउन में, दिस इज माय पेन जो है बच्चों, माय एडजेक्टिव है बोल के कैसे हम जानेंगे, क्योंकि उसके बाद क्या है, पेन है, पेन एक तो क्या है बच्चों, नाउन है, और मैं तुम्हें पहले ही बोली हूँ कि एडजेक्टिव डिस्क्राइब करता है नाउन को और क्लैरिफाई करता है, एडजेक्टिव हमेशा नाउन के पहले रहता है और उसे डिस्क्राइब करता है, तो दिस इज माय पेन। हम देखेंगे पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद जरूर एक ठो नाउन होगा। ओके, पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद जरूर एक ठो नाउन होगा, जैसे कि ये एग्जांपल में पेन हो गया नाउन, और नाउन के सामने है पॉजिटिव एडजेक्टिव तुम्हारा माय। ओके, अभी देखो पॉजिटिव प्रोनाउन, दिस पेन इज माइन। ओके, दिस पेन इज माइन,
माइंड हो गया तुम्हारा पॉजिटिव प्रनाउन, क्योंकि यहाँ पे देखो माइंड के बाद कोई सा नाउन नहीं है। बच्चों हमेशा एक ट्रिक्स याद करना, पॉजिटिव एडजेक्टिव पहचानेंगे हम कैसे, उसके बाद एक तो नाउन रहेगा ओके, लेकिन पॉजिटिव प्रनाउन के बाद में नाउन नहीं रहेगा ओके। अगर तुम पॉजिटिव प्रनाउन के बाद में नाउन लगा दिए तो वो गलत हो जाएगा बच्चों। तो ये ट्रिक को याद रखना कि पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद नाउन रहेगा और पॉजिटिव प्रनाउन के बाद नाउन नहीं रहेगा। और ये है पहला डिफरेंस तुम्हारा पॉजिटिव प्रनाउन और पॉजिटिव एडजेक्टिव के बीच में ओके। देखो बच्चों एक तो रेड बॉक्स में मैं लिखती हूँ माय प्लस नाउन इक्वल टू माइन लिखती हूँ। देखो बच्चों पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होगा, माय एडजेक्टिव था प्लस नाउन, अगर हार है उसके बाद नाउन लगेगा, अगर ईट्स है उसके बाद नाउन लगेगा ओके। तो पॉजिटिव एडजेक्टिव में पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद हमेशा नाउन रहेगा, लेकिन माइन देखो अकेला है बेचारा ओके, तो पॉजिटिव प्रनाउन हमेशा अकेला ही आया है ओके, यहाँ पे इसके बाद कोई नाउन नहीं रहेगा कंप्लीट। देखो बच्चों एक तो चार्ट को समझेंगे, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन, उसके बाद सब्जेक्ट जानेंगे, पॉजिटिव प्रनाउन पॉजिटिव एडजेक्टिव का पूरा चार्ट है यहाँ पे। लेकिन बच्चों ये समझने के पहले हम समझ लेंगे फर्स्ट पर्सन क्या है, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन क्या है। जानते हो फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन तो जानते हो है कि नहीं। फर्स्ट पर्सन का मतलब क्या है कि हम लोग भी, जहाँ पे तुम खुद शामिल रहोगे, तो जहाँ हम खुद शामिल होते हैं, जैसे कि आई बोलने से मैं खुद हूँ, मैं मेरे बारे में मैं हूँ कि नहीं, आई बोलने से मैं हूँ, वी बोलने से भी हम लोग, आई का सिंगुलर होता है वी का प्लूरल होता है, मतलब हम सब, वी में भी तो हम हैं कि नहीं। यहाँ पे मैं बोलूँगी वी आर रीडिंग बोलूँगी, तो वी में मैं भी तो आई ना, कि खाली तुम लोग आए मैं भी आई, तो मैं जहाँ पे हम लोग शामिल होते हैं उसे बोलते हैं फर्स्ट पर्सन, इसको पहले क्लियर हो ओके। सेकंड पर्सन तुम ओके, तुम तू तुमने तुम्हारे रिलेटेड जो होगा, वहाँ पे मैं नहीं होंगी समझे, सुन दे कहाँ से आ जाएगा। देखो फर्स्ट पर्सन समझे, जहाँ पे मैं होंगी मतलब आई वी जो बोलता रहेगा वो शामिल रहेगा ओके। सेकंड पर्सन में क्या होगा, तुम, मैं बोलूँगी यू आर ए बॉय, तुझे बोल रही हूँ तुम्हें बोल रही हूँ ओके, वहाँ पे मैं शामिल नहीं हूँ, तुम ओके, तुम लोग जो बोले यू आर माय गुड स्टूडेंट्स बोलूँगी, तो तुम लोग मैं तुम लोग आए कि नहीं, तुम्हारे बारे में बता रही हूँ, तो जहाँ तुम लगेगा वो हो गया सेकेंड पर्सन समझे। फर्स्ट पर्सन का मतलब जो बोलता रहेगा उसके बारे में, मैं आई एम ए गर्ल आई टीच गुड ऐसे कुछ कुछ भी बोलते रहूँगी ओके, तो वो मेरे बारे में बोल रही हूँ तो आई हुआ। तुम अगर बोलूँगी तुम लोग अच्छे हो, यू आर गुड डांसर कुछ भी बताऊँगी तो वो हो जाएगा सेकेंड पर्सन ओके। थर्ड पर्सन मतलब क्या होता है, देख मैं अभी यस को बोलूँगी यस टुडे आयरा इज एब्सेंट बोलूँगी, क्या बोलूँगी टुडे आयरा इज एब्सेंट, हम दोनों किसके बारे में बात कर रहे हैं, आयरा के बारे में बात करेंगे ओके। और आयरा क्या है, लड़की है, तो क्या लगेगा प्रनाउन, क्या लगेगा सी लगेगा, तो टुडे सी इज एब्सेंट बोलूँगी मैं, यस को बता रहा हूँ टुडे सी इज एब्सेंट, तो सी यहाँ पे क्या हो गया थर्ड पर्सन, मतलब हम दोनों हैं, आरा नहीं है कि है जो भी है ओके, हम दोनों इसके बारे में बता रहे हैं, हाँ जिसके बारे में हम बात करेंगे वो हो जाएगा हमारा थर्ड पर्सन समझे। ही हो सकता है, सी हो सकता है, ईट हो सकता है, दे यहाँ पे आएगा, मैं बोलूँगी यस दे आर डूइंग दे आर होमवर्क बोलूँगी, मतलब मैं बोल रही हूँ यस को कि ये लोग जो हैं, दे का मतलब वो लोग अपना होमवर्क कर रहे हैं, वह लोग अपना होमवर्क कर रहे हैं, मतलब हम दोनों किसके बारे में, ये लोगों के बारे में बात किए, तो ये लोग हो गए हमारा थर्ड पर्सन समझे। मैं बोलूँगी इट इज़ ए गुड पेट एनिमल बोलूँगी, कुछ
कुछ इट दिखाऊंगा, इट इज अ गुड पेट एनिमल बोलूंगी, तो वो कुत्ता हो, बिल्ली हो और खरगोश हो और भी कुछ हो। तो ईट, ईट भी हम दोनों एनिमल के बारे में बात किए, तो ओ हो गया थर्ड पर्सन। समझे, समझे कि नहीं? हो गया, क्या क्लियर हुए? आई मतलब तुम खुद शामिल रहोगे उसमें, यू मतलब मैं जिसको बोलूंगी, जिसको हम बोलते रहेंगे, ओ पर्सन, हाँ हम नहीं होंगे, हम जिसको बोलते रहेंगे, वो हो गया सेकंड पर्सन। थर्ड पर्सन मतलब हम दोनों जिसके बारे में बात कर रहे हैं, हम दोनों जिसको बोल रहे हैं, तीन नंबर पर्सन को हम थर्ड पर्सन बोलते हैं। समझे तुम लोग क्या? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन क्लियर हुए? अभी बोलो मुझे उई, उई कैसा, कौन सा पर्सन है प्रियंसी? फर्स्ट, सेकंड की थर्ड? हाँ उई, उई का मतलब क्या कि हम लोग, मतलब कौन सा पर्सन होगा बोल। यहाँ पे उई हो जाएगा बच्चों फर्स्ट पर्सन, क्योंकि हम शामिल हैं वहाँ पे। ओके, उई मतलब हम शामिल हैं। ओके, मैं वहाँ पे शामिल हूँ। ओके, तो उई हो जाएगा फर्स्ट पर्सन। तो बच्चों अभी चार्ट को क्लियर हो जाएंगे। तो बच्चों देखो यहाँ पे सब्जेक्ट आई है, अगर आई है तो उसका पॉजिटिव प्रोनाउंस हो जाएगा माइन और पॉजिटिव एडजेक्टिव हो जाएगा माय। अगर उई है तो आवार हो जाएगा पॉजिटिव प्रोनाउन और पॉजिटिव एडजेक्टिव आवार हो जाएगा। देखो आई का फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन आई, देखो तो आई का पॉजिटिव प्रोनाउंस क्या होगा? माई। मैं बोलूंगी हाँ, देखो मैं बोलूंगी कि आई हैव ए पेन। क्या बोलूंगी? आई हैव ए पेन, मेरे पास एक पेन है। प्रोनाउंस में दिस पेन इज माइन, क्या दिस पेन इज माइन, तो माइन क्या हो जाएगा यहाँ पे अगर ऐसे देगा, और माइन क्या होगा? माइन प्रोनाउन पॉजिटिव प्रोनाउन है या पॉजिटिव एडजेक्टिव है पूछेगा, तो तुम बोलना माइन पॉजिटिव प्रोनाउन है। तो आई का पॉजिटिव प्रोनाउन होता है माइन, आई का पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है माय। मैं बोलूँ दिस इज माय पेन, तो माय हो गया तुम्हारा क्या? एडजेक्टिव हो गया, पॉजिटिव एडजेक्टिव। माइन होने से प्रोनाउन पॉजिटिव प्रोनाउन, ओके, माय हो जाने से पॉजिटिव एडजेक्टिव। अभी देखो वी का, वी का पॉजिटिव प्रोनाउंस है आवर्स, आवर्स क्या? आवर्स। वी का वी मतलब हम लोग हैं, आवर मतलब हमारा है, तो प्रोनाउन में देखना एस लगता है, आवर्स, ओके एस लगा है, ओ यू आर एस, लेकिन एडजेक्टिव में, पॉजिटिव एडजेक्टिव में ओ यू आर आवर बस, ओके ठीक है। से यू का देखो योर्स हो जाएगा, यू का मतलब तुम, तुम्हारा मतलब योर है कि नहीं, लेकिन प्रोनाउन में वाई ओ यू आर एस लगता है, प्रोनाउन में क्या होता है एस लगा, योर्स, योर में योर्स होगा, लेकिन पॉजिटिव एडजेक्टिव में योर होगा। तो देखो अभी ही का क्या होगा? हीच, हीच क्या? ही का क्या होगा? हो गया, हुआ, तो ही का क्या होता है? पॉजिटिव प्रोनाउन हीच होगा, एडजेक्टिव भी पॉजिटिव वाला हीच होगा, समझे? हुआ कि नहीं? ही का दोनों सेम, हीच हीच, कंफ्यूज मत होना उसको, ओके, हीच का, ही का हीच होगा, सेम होगा, कंफ्यूज मत होना। हार का देखो, हार का लेकिन एस लगेगा, हार्श होगा कहाँ पे? एच ई आर एस, हार्श होगा तुम्हारा पॉजिटिव प्रोनाउन में, पॉजिटिव एडजेक्टिव में खाली हार होगा, ओके। ईट का ईट्स, ईट्स, ओके, दोनों में क्या होगा? ईट्स, ईट्स, पॉजिटिव प्रोनाउन में भी और एडजेक्टिव में भी ईट्स, ईट्स होगा। दे का देयर्स, टी एच ई आई आर एस, देयर्स, प्रोनाउन में एस लगेगा, एडजेक्टिव में टी एच ई आई आर लगेगा, पॉजिटिव एडजेक्टिव में, हो गया कंप्लीट। तो समझे, आई का माइन, प्रोनाउन में, एडजेक्टिव में माय, वी का आवर्स और एडजेक्टिव में आवर, यू का योर्स और एडजेक्टिव में योर, ही का हिच, हिच, ओके। अभी देखो हार का प्रोनाउन में हार्स और एक में हार, इट, इट का इट्स, इट्स, ही हिच हिच, इट इट्स इट्स, इसको याद करना दोनों को। दे का देयर्स, दे का देयर्स और
दे आर, हो गया। देखो बच्चों, जो पॉजिटिव एडजेक्टिव्स है इसके साथ, इनके साथ क्या हो, जो माई, आवर, योर, हीज, हर, इट्स, देयर, इनके साथ क्या होगा, नाउन प्लस होगा, मतलब पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद नाउन लगेगा। ओके, लेकिन बच्चों पॉजिटिव प्रनाउंस जो है ये पॉजिटिव प्रनाउन के बाद, नो नाउन आफ्टर दिस, यहाँ पे नाउन नहीं लगेगा। ओके, समझे। अभी देखो पॉजिटिव प्रनाउन और पॉजिटिव एडजेक्टिव से कितने कितने एग्जांपल ले जाएंगे जिसमें तुम पूरा क्लियर हो जाओगे। अभी देखो बच्चों, सम एग्जांपल्स ऑफ पॉजिटिव प्रनाउन, पॉजिटिव प्रनाउन कैसे पहचानेंगे। देखो बच्चों, यह किताब हमारा है, क्या बोला है इसमें, यह किताब हमारा है। ओके, यहाँ पे हमारा जो है आवर्स होगा, इसको हम जब इंग्लिश में लिखेंगे तो लिखेंगे दिस बुक इज आवर्स, मतलब आवर्स के बाद में कोई नाउन नहीं रहेगा। ओके, ये प्रनाउन ही, पॉजिटिव प्रनाउन ही लास्ट को रहेगा, दिस बुक इज आवर्स। ओके, इसके बाद नाउन नहीं रह सकता, हो गया। अभी देखो बच्चों, पॉजिटिव एडजेक्टिव कैसे पहचानेंगे, एग्जांपल्स देखो। यह हमारा किताब है, यहाँ पे जो हमारा है आवर होगा, दिस इज आवर बुक, मतलब आवर हो गया तुम्हारा पॉजिटिव एडजेक्टिव, और आवर के बाद देखो बुक लगा है जो कि एक तो नाउन है, मतलब नाउन के पहले पॉजिटिव एडजेक्टिव लगेगा, हो गया। दोनों का डिफरेंस देखो, पॉजिटिव प्रोनाउन में क्या हुआ, यह किताब हमारा है, लेकिन पॉजिटिव एडजेक्टिव में हुआ यह हमारा किताब है, हो गया। पॉजिटिव प्रोनाउन में क्या हो रहा है, दिस बुक इज आवर्स, बट इन पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या हो रहा है, दिस इज आवर बुक, हो गया। फर्स्ट एग्जांपल कंप्लीट। अभी सेकंड एग्जांपल देखो, वह घर उनका है, क्या वह घर उनका है, समझे। लेकिन पॉजिटिव एडजेक्टिव में क्या होगा, वह उनका घर है, हो गया। देखो पॉजिटिव प्रोनाउन जो है वह घर उनका है, यहाँ उनका का मतलब देयर्स, टी एच ई आई आर एस, एस लगेगा, बोली थी ना वो चार्ट में मैं तुम्हें पॉजिटिव प्रोनाउन में। तो देखो दैट हाउस इज देयर्स, यहाँ पे देखो देयर्स के बाद कोई नाउन नहीं है, हाउस तो पहले, ये सेंटेंस में हाउस नाउन है, लेकिन ये नाउन जो हाउस जो है ये तो पहले से ही लग गया है दैट के बाद, हो गया। देखो पॉजिटिव प्रोनाउन में जो देयर्स है, दैट हाउस इज देयर्स, उसके बाद कोई नाउन नहीं है, समझे। लेकिन पॉजिटिव एडजेक्टिव में देखो, वह उनका घर है, यहाँ क्या था पॉजिटिव प्रोनाउन में, वह घर उनका है था, लेकिन यहाँ पे वह उनका घर है। अभी देखो दैट इज देयर हाउस, यहाँ पे जो पॉजिटिव एडजेक्टिव का सेकंड एग्जांपल में जो उनका है उसका मतलब देयर, टी एच ई आई आर, देयर, एस नहीं लगा है, ये एक तो एडजेक्टिव है। और देखो बच्चों उनका, दैट इज देयर हाउस, देयर एडजेक्टिव बोल के कैसे पहचानेंगे बच्चों, देयर के बाद हाउस है, और घर क्या है, तो नेम है, नेमिंग वर्ड, नाउन है। ओके, थर्ड एग्जांपल देखो बच्चों, दिस हर्स इज हर्स, यह घोड़ा उसका है, लेकिन पॉजिटिव एडजेक्टिव में क्या है बच्चों, यह तुम्हारा घोड़ा है। ओके, देखो बच्चों यहाँ पे मैं योर लिखी हूँ, यू सेकंड पर्सन वाला लिखी हूँ, लेकिन यहाँ पे थर्ड पर्सन वाला लिखी हूँ उसका। ओके, कन्फ्यूज मत होना, देखो पॉजिटिव प्रोनाउन में है दिस हर्स इज हर्स, मतलब यह घोड़ा उसका है, हो गया। यहाँ पे जो हर्स है लास्ट को, ये क्या है, पॉजिटिव प्रोनाउन है, हर्स के बाद कोई नाउन नहीं लगा है, हो गया। लेकिन पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद देखो यहाँ पे, यह तुम्हारा घोड़ा है, दिस इज योर हर्स, तुम्हारा का मतलब यहाँ पे योर, वाई ओ यू आर, और योर के बाद हर्स है जो कि एक ठो नाउन है, एनिमल नेम नाउन होता है ना, तो देखो योर के बाद नाउन है, तो ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है, कंप्लीट। तो बच्चों जो चार्ट में पहले दी हूँ, ये पर्सनल प्रोनाउन और सब्जेक्ट जो है, और पॉजिटिव एडजेक्टिव पॉजिटिव प्रोनाउन वाला, उसी को तुम्हें याद रखना पड़ेगा। ओके, याद रख लो, ये वीडियो को अच्छा से सही तरह से सुन के, कंप्लीट वीडियो सुनकर समझ लो, बस तुम्हारा पॉजिटिव प्रनाउन और पॉजिटिव एडजेक्टिव कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप सबको समझ में आया होगा। लर्न विद बिनी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक करना, कमेंट करना। धन्यवाद।